हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल किए हैं 2024 का फॉर्म को। फाइनली दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि इसकी एप्लीकेशन स्टेटस में दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मेन जो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है सो किस कारण की वजह से होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही है 2024 में दोस्तों जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस नए वेबसाइट में, एसएससी के नई वेबसाइट में जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 हो, दोस्तों बात करें अधिकतर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइव फोटो की वजह से अधिकतर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि फोटो दोस्तों किस तरह से अपलोड किया गया था कैंडिडेट्स के द्वारा जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम रीजन ही बताने वाले हैं, उसके बाद ही आपको बताएंगे एसएससी सीएचएसएल जो 10+2 की जो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं इसकी एप्लीकेशन स्टेटस दोस्तों आपको कब रिलीज होगा, सारा कुछ अपडेट हम इसी वीडियो में दे देंगे। देखिए दोस्तों, एक हम एप्लीकेशन स्टेटस आप सबको दिखाने वाले हैं जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एप्लीकेशन स्टेटस था। दोस्तों इसी तरह का एप्लीकेशन स्टेटस आपका सीएचएसएल 10+2 का भी रिलीज होगा, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट का जो रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होने का कारण मुख्य यहाँ पर बताया हुआ है कि रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ इनवैलिड। दोस्तों फोटोग्राफ इनवैलिड यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, फोटोग्राफ बिल्कुल भी 100% इनवैलिड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पीछे का बैकग्राउंड है सो एक दरवाजे के साथ में दोस्तों आपका बैकग्राउंड का फोटो आया हुआ है, जो कि दोस्तों एसएससी कभी भी अपना नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बताया है कि आपकी जो बैकग्राउंड होनी चाहिए सो एक ही कलर का होनी चाहिए, चाहे आप जिस भी कलर का रखें। लेकिन दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों आपका जो फोटो है सो आपका 100% दोस्तों वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आप कैप्चर किए होंगे। अगर दोस्त आप सीएचएसएल 10+2 का फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अगर आपका बैकग्राउंड एक कलर का नहीं है, चाहे वह वाइट हो चाहे जिस भी कलर से हो, दोस्तों आप दीवार के आसपास आप अपने फोटो को कैप्चर किए हैं लाइव फोटो, अगर आपका एक ही कलर का नहीं है, दो तीन दोस्तों बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, तो आपका 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसी का दोस्तों यही कारण आपका भी होने वाला है रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटोग्राफ। देख सकते हो दोस्तों इस कैंडिडेट का भी इनवैलिड फोटोग्राफ है, जो कि बैकग्राउंड में उसका दरवाजा भी आ चुका है, दोस्तों दीवार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जिसके कारण इसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों कि आपका सीएचएसएल 10+2 का जो एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज होगा तो कब होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बता देते हैं कि 1 तारीख से दोस्तों आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इससे जस्ट 10 दिन पहले ही दोस्तों आने की बात करें तो 20 तारीख को आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज हो जाएगा, लेकिन सभी रीजन का रिलीज नहीं होगा दोस्तों 20 तारीख को। 20 तारीख को दोस्तों एक ना दो रीजन यानी कि कुछ ही रीजन का आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज होगा, उसके बाद ही दोस्तों लगातार आपका सारे रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही स्टेटस रिलीज होती है सारा कुछ अपडेट हम देने वाले हैं, तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जय हिंद साथियों।